अजय देवगन की मोस्ट एवेटेड मूवी भूला चुका है, जो 3D और 2D दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। मूवी देखने के बाद मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक साथ मैं कहूँ तो मुझे मूवी अच्छी लगी। बात करें फिल्म की तो आपको पता ही है कि ये कैथी का रीमेक है, इसलिए इसकी स्टोरी वही ही है जिसमें भोला 10 साल बाद जेल से निकलता है अपनी बेटी से मिलने के लिए जो अनाथ आश्रम में रहती है। दूसरी तरफ SP डायना यानी तबू में एक खतरनाक गैंग के ड्रग्स का माल पकड़ लेती है जिसका कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। उस माल को लेने के लिए असुथामा यानी दीपक डोगरिया आते हैं अपने गैंग के साथ पुलिस स्टेशन, और दूसरी तरफ बहुत से पुलिस ऑफिसर का जान खतरे में होता है, उन्हें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। ऐसे में कैसे भोला इन सारे चीजों में फंस जाता है और क्या वो पुलिस वालों को बचा पाएगा, क्या भोला अपने बेटे से मिल पाएगा, जाने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। बात करें पॉजिटिव की तो फिल्म में एक्शन सीन जबरदस्त है, जिन्हें एक्शन मूवी देखना अच्छा लगता है ये फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगा। अजय देवगन साथ जब जब एक्शन करते हुए नजर आते हैं उन्हें देख के मजा आया। मूवी के अंदर डायलॉग भी काफी अच्छे हैं और एक्शन सीन के साथ जो BGM सुनने को मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। टप्पू मैम और बाकी स्टार कास्ट ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। बात करें नेगेटिव की तो स्टोरी को ज्यादा फोकस नहीं किया गया है और किसी मूवी के अंदर बाप और बेटी के बीच जो बॉन्डिंग दिखाया जाता है जिसे देख के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा, यहाँ पर वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। और क्लाइमेक्स में जो गन फायरिंग का सीन होता है वो यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाता है जिसकी वजह से वो सीन फ्लैट चला जाता है। केमियो फिल्म के अंदर कुछ खास इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, वैसे भोला का पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।